मुझे तो बेचारी भाभी के जेवर का अफसोस है। अरे बस कर जाओ, जख्मों पर मजीद नमक मत छिड़को। और हाँ, अबू के साथ जा रहे हो, जिस तरह वो काम समझाए बिल्कुल वैसे ही करना। अच्छा सोया रहने दो उसे, हम लोग निकल रहे हैं। जब तक खुद ना जागे आवाज देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जागने के बाद उसने कह दिया कि मुझे ऑफिस में कोई जरूरी काम है, तो मैं कैसे रोकूंगी उसे? प्यार से समझा देना कि अभी मिनल को तुम्हारी जरूरत है। जब तक मिनल का जख्म पूरी तरह भर नहीं जाता, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। चलो, मैं रोकने की कोशिश करूंगी। चल भाई, यान आ जा। अब बस अब चाय खत्म कर लूं, फिर आ रहा हूं। हाँ भाई पढ़ाकू, चलो। नहीं अभी टाइम है, अम्मी के साथ थोड़ा काम संभालू, मैं बैंड में चली जाऊंगी। हफ्सा के साथ बिल्कुल भी लाड करने की जरूरत नहीं, अभी तुम उसके साथ सख्ती से ही रहा करो। आज तक उससे जितना लाड प्यार जताया मैंने, उसका क्या नतीजा निकला? क्या सिला दिया उसने मुझे? तुम्हें अंदाजा नहीं खावर कि मुझे कितना गुस्सा है उस पर। बस कर दें, गुस्सा है 2 मिनट में आपको मुम कर देती है वो। हफ्सा की दाल अब मेरे आगे नहीं गलने लगी रहा। और जब मैंने कहा कि मुझे गुस्सा है, तो इसका मतलब है कि मुझे गुस्सा है। मुझे तो बिचारी भाभी के जेवर का अफसोस है। बस कर जाओ, जख्मों पर मजीद नमक मत छिड़को। और हाँ, अबू के साथ जा रहे हो, जिस तरह वो काम समझाए बिल्कुल वैसे ही करना। चले अबू। हाँ बेटे चलो। अच्छा भी शबनम, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किस्मत ही बुरी है, पहले लाखों रुपया गवा दिया, उसके बाद करोड़ों का जेवर हाथ से चला गया। तलाल से तो मुझे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं। बस यह रियान शायद इस घर के लिए कुछ अच्छा सोच ले। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू AY डिजिटल YouTube चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।